हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद योगिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी, पालक पराठा। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। पालक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है। पालक को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब हम इस पालक को बॉईल करेंगे। तो पालक बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। अब हम पालक को कुकर में डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच शुगर। शुगर से क्या होगा कि जो पालक का कलर है वो चेंज नहीं होगा। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुकर को कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर एक विशल आने तक बॉईल कर लेंगे। तो देखिए एक सीटी लग चुकी है, तो अभी हम पालक देख लेते हैं। तो देखिए पालक कितना अच्छे से बॉईल हो गया है, कलर भी चेंज नहीं हुआ है इसका, ये देखिए। और अभी हम इस पालक को निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से, जिससे पालक की एक्स्ट्रा कुकिंग रुक जाए। ये देखिए पालक का कलर चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल ग्रीन है पालक, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर बॉयल पालक है, थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती लिया है, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट लिया है और हमने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं। तो अभी हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। इन सबको ग्राइंड करने के लिए हमने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। जार में हम पालक डाल देंगे, धनिया पत्ती, अदरक, 5 से 6 कलियां लहसुन की और हरी मिर्च। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने पालक को पीसकर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब हमने जो पालक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम जार में पानी डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे अभी, जिससे कि ये जो पालक है जार में वो निकल जाए। तो अभी हम इसको डाल देंगे पानी को। अब हम इसको पहले बिना पानी के ही अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथना है। अब हमने ये इस आटे को गूंथ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अभी हमने आटे को गूंथ लिया है। तो अभी हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम आटा देख लेते हैं। तो अभी हम इसके पराठे बनाएंगे। जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी हम लोई ले लेंगे। इसमें हम सूखा आटा लगा देंगे और पहले थोड़ा सा हम इसको बेल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल से लेयर बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे वापस से हम फिर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह करने से पराठे में लेयर अच्छी बनती है, ये देखिए। अब इस पर सूखा आटा लगाने के बाद हम वापस से इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए पहले हम थोड़ा सा किनारे की साइड से इसको बेलते जाएंगे, जिससे कि हमारी परफेक्ट ट्रायंगल शेप बने।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा पराठा अच्छे से हमने बेल लिया है। अब हम इसको सेक लेंगे। तो पराठे को सेकने के लिए हमने गैस पर तवे को गर्म कर लिया है और गर्म तवे पर अब हम इस पराठे को डाल देंगे। अब हम एक साइड से सिक जाने पर इसे पलट देंगे। तो देखिए अब ये इस साइड से सिक गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, आप चाहें तो बटर घी भी लगा सकते हैं। अब हम दूसरी साइड भी पलट देंगे। ये देखिए, इस समय हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी हमने तेल लगा दिया है और इसे पलट पलट कर पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा अच्छे से सिक गया है। आप देख सकते हैं लेयर भी बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पराठा अच्छे से सिक गया है। तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह हम दूसरे पराठे बना लेंगे। आप इस आटे से फ्रेंड्स पूरियां भी बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप पूरी बनाकर तेल में फ्राई कर लें, बच्चों को पूरी थोड़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो आप पूरी बना सकते हैं और पराठे दोनों ही इस आटे से आप बना सकते हैं। ये देखिए, पूरी भी अच्छे से फूल गई है। अब एक साइड से सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से आप सेक लेंगे पलट के। और ये अभी हमारी पूरी अच्छे से सेक गई है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी पूरी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी हेल्दी चटपटा पालक पराठा और पालक पूरी बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।